अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मालवा प्रांत के 54वां प्रांत अधिवेशन देवास में होने जा रहा है। अधिवेशन को लेकर मंगलवार को अभावीप द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन स्थानीय वरिष्ठ नागरिक संस्था सभाकक्ष में किया गया। प्रांत मंत्री घनश्याम सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उक्त अधिवेशन में विद्यार्थियों का संगम होगा, जिसमें देवास की धरती पर मालवा का दर्शन होगा। 14 फरवरी से सेंट्रल इंडिया अकादमी स्कूल में प्रारंभ होने जा रहे अधिवेशन की शुरुआत प्रदर्शनी उद्घाटन के साथ होगी। दोपहर 3:15 बजे ध्वजारोहण के साथ अधिवेशन की औपचारिक शुरुआत होगी। 17 सालों बाद देवास में भावीप का अधिवेशन होने जा रहा है। इस अधिवेशन में मालवा प्रांत से 500 प्रतिभागी सम्मिलित होंगे। इस अधिवेशन को सुचारू से चलाने के लिए 24 गटों का निर्माण किया गया है, जिसमें 80 कार्यकर्ता काम करेंगे। यह अधिवेशन 5 सत्रों में संपन्न होगा, जिसमें प्रदर्शनी उद्घाटन, भाषण, शिक्षा क्षेत्रों से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी और कुछ घोषणाएं होंगी। अधिवेशन स्थल पर सभागार का निर्माण होगा, जिसका नाम राजाभाऊ महाकाल रखा गया है। साथ ही अधिवेशन स्थल पर एक अत्यंत सुंदर प्रदर्शनी का निर्माण किया जाएगा। यह प्रदर्शनी अभाविप के कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए कार्यों, मालवा प्रांत की संस्कृति को दर्शाएगी और अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास को दर्शाएगी, जिसका नाम शहीद रामचंद्र एरवाल के नाम पर रखा जाएगा। प्रदर्शनी उद्घाटन के बाद ध्वजारोहण होगा, तत्पश्चात कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन होगा, अधिवेशन में विशेष भाषण होगा और शैक्षणिक और सामाजिक मुद्दों पर परिसंवाद कर स्टूडेंट चार्टर के रूप में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इस वर्ष स्टूडेंट चार्टर में 4 विषयों पर परिसंवाद होगा। पहली, नई शिक्षा नीति क्रियान्वयन और अपेक्षा। दूसरी, सातत्यपूर्ण शिक्षा और मूल्यांकन चुनौतियों और संभावना। तीसरी, शिक्षक और अर्थ की कमी से जूझता विद्यालय। चौथा, निजीकरण के नाम पर न हो व्यापारीकरण। इस अधिवेशन को जीरो वेस्ट नो प्लास्टिक थीम पर संपन्न किया जाएगा। विद्यार्थियों के मालवा प्रांत का प्रांत अधिवेशन 14-15 फरवरी को देवास में संपन्न होने जा रहा है, इसी निमित्त आज प्रांत यह प्रेस वार्ता रखी। कितने लोगों का लक्ष्य रहेगा इस अधिवेशन में? मालवा प्रांत के इंदौर और उज्जैन संभाग से 345 प्रतिभागी सहभाग करेंगे और इस अधिवेशन में कुछ शैक्षणिक और सामाजिक विषयों पर चर्चा होगी, साथ ही कुछ आगामी घोषणा होगी। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की ये रिपोर्ट।